चमत्कारी रुद्राक्ष लेने 10 लाख लोग पहुंचे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से आई हुई हैं, जहां सीहोर में कुवेश्वर धाम में शुरू हुए रुद्राक्ष महोत्सव में 10 लाख श्रद्धालु पहुंच गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती हुई है। कुवेश्वर धाम नहीं, अभी कहां आप लोग कहां से आए? सीहोर कुवेश्वर धाम। नहीं, आप कहां के रहने वाले हैं? खंडवा से वापस जा रहे हैं? वापस क्यों जा रहे हैं? बहुत भीड़ पब्लिक ज्यादा होने के कारण वापस जा रहे हैं। व्यवस्था नहीं है कुछ? क्या कोई व्यवस्था नहीं? ना पानी की, ना किसी की, ना कुछ नहीं है व्यवस्था। पानी व्यवस्था नहीं है? अरे पानी की जो खाने पीने की नहीं है, आदमी अपने पैसे का पानी ले रहा, पानी नहीं है। अच्छा, बताया गया था फुल व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, कुछ नहीं है, सब ठीक है। बता दें कि इस कुवेश्वर धाम में 16 फरवरी से 21 फरवरी के बीच हर दिन 24 घंटे 300 काउंटरों से चमत्कारी रुद्राक्ष बांटे जाएंगे। 7 दिन में करीब 24 लाख रुद्राक्ष बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी पुष्टि खुद प्रदीप मिश्रा ने की है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कितनी भयावह हैं। अभी आपको मैं इस समय बता दूं तो ये नजारा जो है कुवेश्वर धाम के इलाके का है, जो कि यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर अभी कुवेश्वर धाम रह गया है और पब्लिक जो कि काफी अटूट संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आना जाना लगा हुआ है। ये देखिए काफी तादाद में लोग बाग यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ जो लोग हैं जो काफी दिन से रुके हुए थे वो वापस अपने मुकाम पर जाते हुए